कैथल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार लीला राम गुज्जर ने शुक्रवार को एसडीएम दफ्तर में अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए लीला राम गुज्जर ने समस्त हरियाणा के मतदाताओं से एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने के लिए वोट देने की अपील की। लीला राम गुज्जर ने बिना रिश्वत और सिफारिश के युवाओं को नौकरी देने को खट्टर सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। आइए जरा सुनते हैं। मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा कि 21 अक्टूबर को सारे हरियाणा वासी अपने एक ही कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके और पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाने का काम करें। अशोक कंवर की तो बेचारे की मजबूरी थी क्योंकि उस पर महीने में एक दो बार तो कांग्रेस के साथी ही उस पर हमला कर देते हैं। एक बार तो किस्मत से कहूँगा कि बच गया, उसकी गर्दन तोड़ दी, जगह जगह उसको काट फेंक दिया और इससे ज़्यादा उसके साथ ज्यादती क्या होगी। इस प्रकार के हालात में आके पार्टी छोटे को क्या करेगी। मैं जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया है, उसके तहत ही हरियाणा की जनता से वोट की अपील करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प आपके सामने आएंगे, बिना खर्ची के यहाँ पर नौकरियां लगाई जाती हैं। मनोहर लाल जी ने जो पिछले अपने कार्यकाल में हरियाणा प्रदेश के 70,000 लोगों को बिना एक रुपया दिया योग्यता के आधार पर जो नौकरी देने का काम किया, वो हरियाणा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। कैथल में तो हिंदुस्तानी और अंग्रेज का नारा रहेगा, स्वदेशी को अपनाओ विदेशी को भगाओ, यही नारा रहेगा। तो विदेशी कौन है? विदेशी कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से विदेशी है। मैं इसमें बरादरी वाली बात ही थी। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का मन है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में। कोई गुज्जर जाट अहीर ब्राह्मण की बात नहीं, 36 बरादरी के लोग एक मंच पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इसमें कोई गुज्जर वाली गाँव वाली कोई बात नहीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल विधानसभा सीट के संभावित नतीजों के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।